हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंडला ज़िले के टॉप 5 प्लेसेस के बारे में जहां आप घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूरे मध्य प्रदेश का आकर्षण का केंद्र है। यह मंडला की सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको बाघ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जंगली जानवर एवं पौधों की बहुत सारी प्रजातियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर आप सफारी का मज़ा ले सकते हैं। सफारी के अलग अलग प्राइस रहते हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले में फैला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा सकते हैं और यहाँ सफारी का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक बार आपको जरूर विजिट करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात मंडला। दोस्तों, सहस्त्रधारा जलप्रपात मंडला का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह एक सुंदर जलप्रपात है। यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह जलप्रपात मंडला में घूमने की सबसे अच्छी जगह है। यह जलप्रपात मंडला शहर से दूर बाहरी क्षेत्र में स्थित है। इस जलप्रपात में नर्मदा नदी कई धाराओं में बहती है। तो दोस्तों, यहां आपको अपनी फैमिली को लेकर जरूर जाना चाहिए और यहाँ आप पार्टी का भी आनंद ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है रानी दुर्गावती संग्रहालय। दोस्तों, रानी दुर्गावती संग्रहालय मंडला शहर में घूमने की एक अच्छी जगह है। यह एक संग्रहालय है। इस संग्रहालय में पुरानी वस्तुओं का संग्रह देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, यह संग्रहालय मंडला शहर के मध्य में स्थित है। यह संग्रहालय मंडला में रपटा घाट के पास स्थित है। आप इस संग्रहालय में घूमने के लिए जा सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है मंडला का किला। मंडला का किला मंडला शहर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह एक प्राचीन किला है। यहाँ पर आपको खंडहर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक प्राचीन बुर्ज देखने को मिलता है। आप इस बुर्ज के ऊपर चढ़कर नर्मदा नदी का सुंदर दृश्य को देख सकते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे एक महल और बना है जिसे सतखंडा महल कहते हैं। सतखंडा महल में शिव मंदिर भी है। यहाँ पर आप बारिश के समय में सतखंडा महल पूरी तरह डूब जाता है, मंदिर में मिट्टी भर जाती है। आप इस किले में घूमने के लिए आ सकते हैं। इस किले के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। पांचवें नंबर पर आता है मटियारी बांध मंडला। मटियारी बांध मंडला शहर का एक पर्यटन स्थल है। मटियारी बांध घने जंगलों के बीच में स्थित है। यह बांध बरसात के समय बहुत सुंदर लगता है। मटियारी बांध मंडला से उमरवाड़ा जाने वाली सड़क पर मुख्य सड़क और जंगल में स्थित है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ आपको सभी के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।